उसने किया। ओहो हो, शैक कारपेट, इनके गाने बड़े ही निराले हैं। हाँ, जो समझ में ही नहीं आती। आ, 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 थोड़ा असली म्यूजिक का मजा लो बेन, सुनो तो उस जमाने में कितनी ओरिजिनल धुनें बनती थी। तुम एक स्टेशन भी बदल नहीं सकते बेन। देखा नहीं, ग्रैंडपा ने पकड़ लिया था। ग्रैंडपा से दो थप्पड़ खा लेते पर स्टेशन तो बदलते। अच्छा, तो तुम ही जाकर क्यों नहीं बदलती? मैं तो, हे बेन, क्यों ना तुम अपग्रेड बन जाओ, फिर हम कोई भी स्टेशन सुन सकते हैं। बात में दम है, बस तुम ग्रैंडपा का ध्यान बटाना। वो मुझ पर छोड़ दो। अगर तुम्हारा इरादा स्टेशन चेंज करने का है ग्वेन, तो फिर भूल जाओ। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती, मैं बस यहाँ आपके पास बैठने आई थी। ग्रैंडपा देखिए। क्या है, क्या है वहाँ? वहाँ तो सिर्फ गाय हैं ग्वेन। हाँ, कितनी अच्छी है ना। हाँ, ये तुमने किया? नहीं, मैं कैसे करूंगी, मैं तो बस यहाँ बैठी हूँ। ये क्या हो रहा है? अब इस रेडियो को क्या बीमारी लग गई? लो, कर लो बात, नौ भी निकल आई। बेन, तो ये तुम्हारी करतूत थी। चलो, अब हमें कम से कम शैक कारपेट को तो नहीं सुनना पड़ेगा। ऐसा किसने कहा बेन, उनके सभी हिट्स मेरी कैसेट में है, मैं बैकअप लेकर चलता हूँ। ओह, देखो बेन, गाय। सो गई क्या? अब उठ गई। ग्रैंडपा के खराटे परेशान कर रहे हैं, सो ही नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्या करूँ। ये लो, इसे रखो। टिश्यूज? अब भला इनका मैं क्या करूँगा ग्वेन, छींक छींक के सो जाऊँ क्या? उन्हें अपने कान में डालो बुद्धू। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये तो वाकई काम कर रहा है। ऐसे खर्राटों से बचने का एक ही इलाज है, चांदनी रात में खुले में सोने का मजा ही कुछ और है। चांदनी रात में बारिश कैसे हो गई? नम नम नम, डीप फ्राइड केचुए। अब और नहीं सहा जाता। अब मैं समझा, अभी ग्रे मैटर बनकर किसी शांत और सुकून भरी जगह जाकर छुप जाता हूँ। अरे नहीं, अब मुझे क्या करना चाहिए? चैन और सुकून। टिडवेल का क्रिस्टल अंडों का कलेक्शन, हर एक को हाथों से तराशा गया है, इसीलिए सब अलग अलग हैं। वैसे सबसे पहले ये रूस की सेंट पीटर्सबर्ग गैलरी में थे। कांच को फुलाकर ऐसा आकार दिया जाता है, और जानते हो, इन छुट्टियों में काम की चीजें सीख लोगे तो कुछ नुकसान नहीं होगा। यहाँ डायमंड हेड की जरूरत है। जरा मुझे ये बताओ कि आखिर तुम इन अंडों का करोगे क्या? बेन, तुम इन्हें बिना तोड़े नहीं बचा सकते क्या? चलो तुम्हारी बात मान ही लेता हूँ। अब तो तुम खुश होना पड़े।
दिया। और क्या, तुम्हें क्या लगा मैं नहीं कर सकता? उप्स। बेन। मुझे ऐसे मत देखो, कहा था ना वाटर पार्क चलते हैं। तो ठीक है बेन, हम दो मिनट में लौटते हैं। और सुनो, वैन से कोई छेड़खानी मत करना। ग्रैंडपा भला दो मिनट में मैं कर भी कह सकता हूँ। यही सही मौका है। वाव, अब राहत मिली। हे, तुम लोग कौन हो? वैन के साथ बच्चा फ्री। ओह, तुमने गलत जगह हाथ मारा है बदमाशों। सुना दोस्त, ये छुटकू हमें धमका रहा है। ओह नो, कहीं ये हमें अपने डायपर से ना मार दे। ये छुटकू डायपर नहीं वाइपर मारेगा। बाल बाल बचा। हाँ, पूरा छिड़क दो पूरा। ऐसा मत करो, गाड़ी टकरा जाएगी, दूर हटो। ये क्या? ग्रैंडपा, दरअसल बात ये है कि मुझे कुछ नहीं सुनना बेन, हम तुम्हें दो मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ सकते हैं ना? पर ग्रैंडपा, जरा बात तो रहने दो बेन। मेरे पास दूसरी वैन चुराने का एक सॉलिड प्लान है। मुंह बंद रखो अपना। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, साफ सुथरे कमरों में रहने से अच्छा कुछ नहीं होता। तुम्हें भी ये सही लगता है ग्वेन? थियोरी में हाँ, लेकिन हम घंटों से सफाई कर रहे हैं, पर वो अजीब सी बदबू अब भी हवा में है। हाँ, क्या कमाल की फिल्म है। बेन, कैंपर का तुम्हारा इलाका कूड़ेदान जैसा है, क्या तुम सफाई में हमारी मदद करोगे? बस सिर्फ पाँच। पिछली बार तुमने पाँच कहा था तो वो पाँच दिन थे। मेरे मोजे धोने की इतनी जल्दी मची है तो जाओ धो लो, मैं तुम्हें नहीं रुकूंगा। बेबी, मैं घरों में हूँ। हे, मेरा प्रोग्राम। वाईफाई ने ब्रेक लिया है बेन, हम सब यहाँ रहते हैं, सबको काम करना होगा। मैं काम करूँगा। कम ऑन, मैं दिन भर बड़ी बड़ी गंदगी साफ करता हूँ। फिर तो ये बहुत आसान होगा। तुम्हारे काम की लिस्ट। ये इतना भारी क्यों है? अपना काम नहीं करोगे तो जमा होगा ही। और मुझे ये बताते हुए बुरा लग रहा है बेन, कि तुम हमारे मजेदार पिकनिक पर आज साथ नहीं चल सकते। क्या? इसे कहते हैं कर्मों का फल। जब ग्वेन और मैं मशहूर लोकल बैट गुआनो केव्स में मजे से घूम रहे होंगे, तुम उस दौरान यहाँ पर अपना काम करते रहोगे। बैट गुआनो क्या? और काम पूरा होने तक वाईफाई बंद। आई बात समझ में? मैं तो बस इतना ही समझता हूँ कि एक्सेलरेटर सब दो सेकंड में कर सकता है। वाव, वो चलता फिरता घर कूड़े के पहाड़ से भरा हुआ है। चलो अब लग जाओ काम पर, पहले करो लड़के की टाई टाई फिस। तुम्हारे पास पेन है? देखना वहाँ कैसे कैसे कमाल होंगे। हाँ। मैं काम करता हूँ, आप लोग एंजॉय करना, बाय। मुझे माफ कर दो गाइस, लगता है इस बार स्टीम स्माइट जीतेगा। हे, ये अभी खत्म नहीं हुआ, इस बार जब तुम्हारी वॉच चार्ज हो जाएगी तो सोच समझ कर बदलना। हाँ, मैं स्टीम एक्सेलरेट को रोकने के लिए स्पीड इस्तेमाल नहीं करूँगा, उसे क्रिस्टल से रोकूंगा। Yeah, मैं आ रहा हूँ नकली एक्सेलर। गुड, अब लापरवाही मत करना। तुम्हारा मतलब ऐसी लापरवाही? सोलर पैनल्स तोड़ने के लिए बहुत ही खराब टेक्नोलॉजी है। लेकिन पहले तुम्हारी पिटाई होगी स्टीम के नाक वाले। और मुझे पता है ये कौन सा मॉडर्न हीरो करने वाला है। इन पैनल्स ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वैसे मुझे लगता है कि ये प्रोटोटाइप ऑटोकॉप्टर के लिए सही रहेगा। स्टीम ट्रेन, अब ये खाओ।
क्रिस्टल, मुझे भगाना बंद करो। जैसी तुम्हारी मर्जी। अब भी दम है। शाबाश बेन, तुमने सही सोचा और अपनी गंदगी खुद साफ की। मुझे अब सही सोचने की आदत डालनी चाहिए। टेनिसन, मुझे लगा मेरे स्टीम एक्सेलरेटर ने तुम्हें अब तक तबाह कर दिया होगा। ओ, शायद तुमने अब तक मेरी कारीगरी नहीं देखी। मेरे स्टीम एलियंस को तबाह करने की तुम्हें सजा मिलेगी। ओ, मतलब तुमने सिर्फ दो ही बनाए। तुम्हें पता है ना मेरे पास 10-10 है। सच कहूँ तो मैंने 3 बनाए हैं। तो इस आधुनिक दुनिया को कहो अलविदा और देखो अतीत की असली ताकत को लौटते हुए अपनी आँखों से। अब कौन हंस रहा है? बिल्कुल सही, वो मैं हूँ। शायद अतीत में कोई छोटी चीज बनाता ही नहीं था। और कभी कभी बदमाशों के साथ बेरहम बनना ही पड़ता है। नहीं रुको। ये गंदगी तुम्हारे लिए कोई साफ नहीं करेगा बेन, जल्दी सोचो। ठीक है मैं सोच रहा हूँ। ये मेरे जैसा है लेकिन बहुत बड़ा, और अगर मैं ग्रे मैटर का एनर्जी भरा रूप बन गया तो भी काफी बड़ा होगा। बेन जल्दी सोचो। स्टीम, स्टील और सही लाइन में लगे गियर्स की इस मास्टरपीस के आगे तुम्हारी एलियन पावर्स कुछ भी नहीं। सही लाइन में लगी गियर्स, हाँ? जीमी, अतीत के बारे में एक चीज मैं जानता हूँ, आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये क्या कर रहे हो? अपने डायमंड्स को मेरे क्रैंक शाफ्ट से दूर रखो। जरा सोचने दो। नहीं, तुम बहुत बुरे हो टेनिसन। ये पूरी तरह हार गया ना? इस बार तुम शायद जीत गए टेनिसन, लेकिन उस दिन को याद करके पछताओगे जब मुझसे दुश्मनी मोल ली थी। स्टीम का जमाना वापस आकर। ये क्या बड़बड़ा रहा है? लगता नहीं कुछ खास होगा। उम्मीद है स्टीम स्माइट ने आज अपना सबक सीख लिया होगा। हाँ, मेरे पास सिर्फ एलियन रूप नहीं है, उससे ज्यादा है। मैं बहुत तेज दिमाग वाला हूँ। बेन, इस सारी गंदगी का क्या जो तुमने फैलाई है? ओ ग्वेन, याद है ना, मेरे तजुर्बे से ये चीजें अपने आप ठीक हो जाती। जैसे कि अभी। ये तो H2 ओवरफ्लो आराम से संभाल लेगा। ओह कम ऑन, एक मोटा सा पिनबॉल आग से कैसे लड़ सकता है? ओह हाँ, पानी, इस मुश्किल को तो मैं आसानी से हल कर दूंगा। कैननबॉल जा गया है बचाने। थैंक यू जायंट पांडा भालू भैया। वेलकम, पर मैं पांडा भालू नहीं हूँ। यकीन नहीं आता मैंने इतनी आसानी से कर दिया। अब तो मेरा मॉन्यूमेंट बनना ही चाहिए। टिम्बक्टू आया है बचाव करने। बचाव? थोड़ी सी देर कर दी ब्रो चाउस्की। अपने ये डायलॉग मुझ पर मत आजमाओ विलन कहीं के। मैं विलन नहीं, हीरो हूँ। तो फिर इस बोट में आग कैसे लगी चालबाज? मैं आग बुझाता हूँ, आग लगाता नहीं। वैसे हीट ब्लास्ट बना तो बात और है। मेरे पास इस सबके लिए वक्त नहीं है, अब इन पैनामेनियन पॉइजन एरो फ्रॉग ब्लो डार्ट्स का मजा लो। हे, मैं कोई विलेन नहीं हूँ। एंटी वेनम, मैं तुम पर नजर रखूंगा दोनों आंखों से। अलविदा, चलता हूँ। सुनो, इस तरह किसी पर हमला करके भाग नहीं सकते, ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ वापस आओ। कर दिया ना चारों खाने चित।
ठीक है बच्चू, मुझे तुम में दिलचस्पी होने लगी है। तुम ऐसे लड़के हो जो बदल कर क्या बन जाते हो? बेन है मेरा नाम, एलियन बनना है मेरा काम। हैरानी हुई, क्या तुम ऐसे एलियन बन सकते हो जो मेरे रास्ते में ना आए? मुझे इस शहर का हीरो बनना है। बॉयज बॉयज, तुम दोनों हीरोज हो, ठीक है? ये नौटंकी बाज और हीरो, अच्छा मजाक है। जाके अपनी शक्ल आईने में देख लो। गाइस, अगर तुम दोनों हीरोज हो तो फिर हाथ मिलाओ, अपने हाथ मिलाओ। एक बात तो है, मैं बहुत घूमा हूँ लेकिन तुम जैसी पावर्स वाला मुझे कभी नहीं मिला। मैं लगभग इम्प्रेस्ड हूँ। और तुम्हारी अजीब चीजों वाली पाउचेस भी कूल हैं शायद। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल, तुम चाहो तो मेरे चेले बन सकते हो। मुझे चेला बनाने से पहले अपनी शक्ल तो देखो। ये दोनों फिर से शुरू हो गए। बेन, आराम से बैठो और शो का मजा लो, ये हीरो वाला मामला है। अपनी साइज वाले के साथ मुकाबला करना चाहते हो? दिखाओ तुम में कितना दम है टिम्बक जीरो। पेश है मेरा हिप्नो जोजम, तुम पैरालाइज हो जाओगे। तुम मेरे निंजा स्मोक वाल का मुकाबला नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें अभी भी देख सकता हूँ और सूंघ सकता हूँ, नाकामयाबी की बू आती है। अब मेरी इस ताकत के सामने तुम्हारी एक नहीं चलेगी।